नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके पास भी स्मार्टफोन है और उसमें गूगल डायलर है? ठीक है, और आपको गूगल डायलर की वजह से आपको एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा होगा, वो है कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर के आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। आप किसी पर्सन को कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा होगा। ठीक है, तो आप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख रही। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि भाई को कुछ सपोर्ट हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, होता क्योंकि है दोस्तों ठीक है, समय बहुत ज्यादा तो होता है। चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ सोल्यूशन। दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे चले आना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल डायलर। ठीक है, गूगल डायलर जैसे ही पे आ जाएगा वहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ठीक है, उसके लोगो पे, लोगो पे क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा सर को सरकाना है। ठीक है, नीचे की ओर, नीचे ओर सरकाओगे तो यहाँ पर नीचे लिखा रहेगा तो ज्वाइन द बीटा। ठीक है, ज्वाइन द बीटा पे आपको नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको तुरंत ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद में आपको कम से कम आधे घंटे तक वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद में आपको क्या करना है, उसको तुरंत अपडेट कर देना है। ठीक है, अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो उसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में जाना है, उसके बाद में कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग में जाकर के देखना है, वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया होगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं आता है आपके कॉल सेटिंग में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, गूगल डायलर जो है आपके फ़ोन में उसके ऊपर दबा कर रखना है और उसको फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद में फिर से आपको 2 मिनट जो है वेट कर लेना है। 2 मिनट वेट करने के बाद फिर से आप अपने कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग जाकर देखिएगा, वहाँ आपको कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर नहीं शो करता है तो आप क्या कीजिएगा, अपने मोबाइल के ऐप सेटिंग में जाइएगा और वहाँ पे गूगल डायलर दिखाई देगा। ठीक है, गूगल डायलर में आपको क्लिक करना है, उसके बाद में क्लियर कैच डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, एक बार सारे टैब को क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, सारे एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है, जितने सारे आपने क्लोज ओपन कर रखे हैं सबको क्लोज कर देना है। ठीक है, क्लोज करने के बाद फिर से आपको जो है कॉल सेटिंग में जाकर के चेक करना है। चेक करने के बाद वहाँ पे आपको 100% दिखाई देगा कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग। ठीक है, पहले उसको आप इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को, उसके बाद वहाँ पे सेटिंग कीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, वहाँ पे ऑल कॉन्टेक्ट रिकॉर्डिंग सेटिंग रहेगा, उसके बाद में अनोन नंबर का रहेगा, उसके बाद में किसी पर्सनल नंबर का आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो आप सेटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप किस तरह का कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना सारे करने के बाद में जो है आपका कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होता है तो गूगल डायलर को रिप्लेस कर दीजिए किसी अनदर थर्ड पार्टी डायलर के साथ। ठीक है, उसके बाद में आपका कॉल रिकॉर्डिंग 100% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना में जो बताया आपको इतना में हो ही जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।